नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती, आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट रिजल्ट को लेकर। जरा सोचिए, आपको कोई कह दे कि कुछ दिनों के बाद आपके परीक्षा के परिणाम आने वाले हैं तो आपके मन में अनावश्यक ही दबाव जरूर होता है। मीडिया में चल रही खबरों के माने तो बहुत ही जल्द इंटरमीडिएट का परिणाम आने वाला है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इंटर के छात्रों को अब तैयार हो जाने की ज़रूरत है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 13 मार्च यानी कि रविवार के बाद से टॉपर्स के वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में इंटरमीडिएट की कॉपी की जांच पूरी हो गई है। ऐसे में अब बस टॉपर्स के जांच करने के बाद रिजल्ट का प्रकाशन बस करना बाकी रह जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में टॉपर्स की जांच इसलिए की जाती है ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी को आसानी से पकड़ा जा सके। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि बिहार सरकार की बीएसईबी की खूब किरकिरी हुई है। बता दें कि टॉपर्स की जांच को लेकर जिलों की कॉपियों को मंगवाया गया है ताकि हम टॉपर्सों की जांच कर सके। 13 मार्च के बाद से टॉपर की जांच शुरू हो जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि सब कुछ तय समय पर होता रहा तो एक बार फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट जारी करने के मामले में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ देगा। बता दें कि इस बार इंटर की परीक्षा में कुल 16,48,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इंटर के साथ साथ बिहार में मैट्रिक की कॉपियों की भी जांच की जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मैट्रिक की कॉपियों की जांच 17 मार्च तक पूरा कर लिया जा सकता है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इंटर की कॉपियों की जांच की जाने के बाद अब सिर्फ रिजल्ट का काम बचता है। पहले तो यह कयास लगाया जा रहा था कि होली के पहले या फिर होली के बाद इंटर का रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है, लेकिन अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि 17 मार्च को इंटर का रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है। हालांकि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि टॉपरों की कॉपियों की जांच और उसके बाद उनके एक्सपर्ट टीम के सामने वेरिफिकेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो होली के बाद बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है। ऐसे में 10वीं और 12वीं के छात्र अपना रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। उसकी एक दूसरी वेबसाइट है online.bseb.in पर जाकर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो यानी कि अब तय हो गया है कि 13 मार्च के बाद से टॉपरों का वेरिफिकेशन शुरू होगा। इसमें जो टॉपर लिस्ट होगी उसमें जो है टॉपरों को बुलाया जाएगा और उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद ये मानेगी बिहार बोर्ड कि ये लड़के जो है जेन्युइन है, यानी कि ये मान्य है, इन्होंने ही परीक्षा दिया था और जो लिखा है वो सच लिखा है। उसके बाद जो है टॉपरों के बाद पूरे छात्रों का जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। उसकी जो तारीख है वो मीडिया में जो खबरें चल रही है उसके अनुसार 17 मार्च निर्धारित की गई है। ऐसे में अब देखना है कि बिहार बोर्ड कितनी जल्द इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित करता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।